आईए3 से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी नौजवान मेरे पास में आते हैं, शादीशुदा भी आते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है हो गई वो भी आते रहते हैं, और वो लैंगिक समस्या लेके आते, दबके दबके आते हैं, चुपचाप आते हैं, बाहर बोलना नहीं चाहते हो कि उनको ये प्रॉब्लम है। और फिर वो आने के बाद में वो कंप्लेन करते रहते हैं कि उनको सेक्स समस्या है, लिंग में कठोरता नहीं आती, या जल्दी गिर जाता है, शीघ्र पतन होता है, या उनको होमोसेक्सुअलिटी है, मतलब समलिंगी आ सकती है, या और कोई सेक्स प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से वो अशांत है, उनको तकलीफ है, उनके संबंध खराब हो चुके हैं। और ये हुआ इसका कारण वो बचपन में हुई गलतियों के लिए पकड़ते हैं या गलतियों को देते हैं। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि क्या गलती है, क्या आपने, आपको क्या लगता है कि भाई लिंग में कठोरता आती नहीं है, तो क्या कारण है? तो बोलती है, हाँ मैंने ना हस्तमैथुन बहुत किया हुआ है। तो उनके दिमाग में हस्तमैथुन के लिए बहुत बहुत गलत फहमियाँ हैं। तो आज मैं वीडियो में गलत फहमियाँ जो है सेक्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हाथ से किया हुआ मैथुन वह हस्तमैथुन होता है। हस्तमैथुन से कोई नुकसान होता नहीं, हस्तमैथुन से कमजोरी आती नहीं, हस्तमैथुन से अपने गाल बैठते नहीं, हस्तमैथुन से कुछ भी बीमारी होती नहीं है, कुछ भी नहीं होती, गुप्त रोग भी नहीं होता, सिफिलिस भी नहीं होता, एड्स भी नहीं होता। हस्तमैथुन यह नॉर्मल प्रक्रिया है। हस्तमैथुन से ना लिंग सिकुड़ जाता है, वैसा होता नहीं है। हस्तमैथुन से लिंग का आकार कम नहीं होता, हस्तमैथुन से लिंग की लंबाई कम नहीं होती, या हस्तमैथुन से लिंग टेढ़ा नहीं होता। सेक्स करना औरत के साथ में यदि वो बुरा नहीं है, मतलब वो अच्छा है, तो सेक्स जब करते, लैंगिक संबंध जब प्रस्तावित करते, सम्मुख करते हैं, तो योनि में लिंग का अंदर बार होना शुरू रहता है। और योनि में लिंग अंदर बार होता है, उसको बोलते हैं सम्मुख। हस्तमैथुन में क्या होता है, हस्तमैथुन में हाथ से किया हुआ मैथुन, हाथ को योनि का आकार दिया जाता है, और हाथ को योनि का आकार देने के बाद में लिंग उसमें अंदर बार किया जाता है, और उससे अच्छा लगता है, उससे एक्साइटमेंट आती है, और उसको एक्साइटमेंट आने के बाद में उसमें से वीर्यपात होता है। लोगों को लगता है कि मैंने बहुत वीर्य गमाया, और बहुत वीर्य गमाया इसलिए मुझे कमजोरी आ गई, अभी मैं काम का नहीं रहा, अभी मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ आने वाली है, मैं शादीशुदा आदमी करके नहीं जी सकूंगा, मैं शादी नहीं कर सकूंगा, औरत को मैं सुखी नहीं रह सकूंगा, ऐसा उनको लगता है। कितना भी वीर्य गया, कितना भी, तभी उससे कुछ भी कमजोरी आती नहीं है। हस्तमैथुन का मेरा सेपरेट वीडियो है, वो आपने देख लेना बहुत जरूरी है। तो उसमें हस्तमैथुन के बारे पूरी गलत फहमियाँ निकाली हुई है। लोगों के मन में ये भी है कि वीर्य का जो एक थेम्ब, एक बूंद है, तो वीर्य का एक बूंद खून के 80 बूंद के बराबर का, ऐसा लोगों को लगता है, और ऐसा आयुर्वेद में कहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमी है। वीर्य का एक बूंद के बराबरी का होता है, 80 खून के बूंद के बराबरी का होता नहीं। वीर्य कितना भी तैयार किया और कितना भी बाहर निकाला, तभी वो कम होता नहीं है। जैसे लार जो अपने मुंह में है, कितना भी मैंने थूका, तभी लार जो है वो सलाया हुआ, वो फिर से बार बार मैं तैयार कर सकता हूँ, वैसे ही वीर्य का है। वीर्य मतलब धातु जो है वो बार बार तैयार होते रहता है, उसका नाश होकर कमजोरी आती नहीं है। वीर्य का अंदर कोई साठा नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है कि वो स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर अभी मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, ऐसा नहीं है कि अभी से मैंने स्टॉक खत्म कर दिया तो आगे चल के फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम आएंगी। ब्रह्मचारी आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा साल तक जीता नहीं है, ऐसा आयुर्वेद में कहा है कि ब्रह्मचर्य यही जीवन है और वीर्यनाश यही मृत्यु, ऐसा कहा है, और लोगों को गलत फहमी में डाला हुआ है, दिमाग में गलत फहमी लोगों की बैठी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने शादी नहीं किया, या जिन्होंने हस्तमैथुन नहीं किया, जिन्होंने सेक्स नहीं किया, वो ज़्यादा साल जीते हैं, ज्यादा साल जीवन जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, उसको कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। तो ये हो गया हस्तमैथुन के बारे में। उससे कोई लिंग का टेढ़ापन आता नहीं है, लिंग छोटा होता नहीं, उसका आकार कम होता नहीं है, और सपने में धातु जाने के लिए लोग आते हैं कि सपने में बहुत धातु मैंने गमाया है, उसका सेम है कि सपने में कितना भी धातु आपने गमा दिया तभी उससे कोई कमजोरी आती नहीं है। यदि आप हस्तमैथुन नहीं करोगे, यदि आपकी शादी होने की है, धातु जो भी तैयार हो रहा है अंदर, उसने बाहर निकलने का ही है, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वो नॉर्मल प्रक्रिया है।
और उससे भी धातु मतलब सपने में धातु गया तो उससे कोई कमजोरी आती नहीं, वो भी ग्रंथ फहमी निकालना पड़ेगा। फिर लोगों का रहता है कि कुछ काफ़ी सारे लोग आते हैं कि मैं बस में सफ़र करता हूँ, ट्रेन में सफ़र करता हूँ, लड़कियों को हाथ लगाता हूँ या ऐसा घिस लेता हूँ खंदा भीड़ में, उनको नहीं मालूम होते हुए उनको उसमें मज़ा आती है, या फिर अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता हूँ उसके साथ में बातचीत करता हूँ, या आमने सामने बैठ के बातचीत करता हूँ तो मेरा जो वीर्य है वो छूटते रहता है, गीला होते रहता है, तो ये भी नॉर्मल है। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि आप भूखे हो, आप भूखे हो और आपके सामने गरम गरम आलू वड़ा ला के तर्री मार के ला के दिया तो मुंह को पानी आएगा, वैसे ही है कि आप भूखे हो, सेक्स आपने किया नहीं है, और जब सेक्स किया नहीं है तो वो औरत को देख के या लड़की को देख के उसके साथ में बातचीत करके एक्साइटमेंट आता है और उसमें पानी छूटने वाला ही है। पानी छूटने की प्रक्रिया नॉर्मल है, वो धातु नहीं है एक्चुअली, वो वंगन जो है ना मतलब ऑयल का काम करता है, जैसा ऑयल जो है वो जैसा उसको चिकना बनाता है तो इसलिए वो ऑयल बाहर आता है, ऑयली टाइप मतलब वो ऑयली रहता है, ऑयल नहीं आता, ऑयली रहता है वो धातु पहला जो पार्ट है उसका, और उससे चिकना बनाता है और वहाँ से फिर लिंग योनि में प्रवेश करने के लिए आसानी हो जाती है, तो भी नॉर्मल है बाहर निकलना, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लोग आते हैं कि संडास करने के समय धातु बाहर निकलता है, या फिर वीर्य पेशाब करने के समय पहले वीर्य बाहर निकलता है, जब भी कभी आप जोर से पेशाब करते हो जोर लगा के, या जोर लगा के संडास करते हो तो वीर्य बाहर निकलने के, पेट के ऊपर प्रेशर आता है उस वो जो थैली है धातु की उसके ऊपर प्रेशर आता है और वहाँ से धातु बाहर निकलना ही निकलना है। तो जिनको कड़क संडास होती है या जिनको पेशाब करने में तकलीफ होती है उनका वीर्य बाहर पहले निकलता है, क्योंकि उनको जोर लगा के संडास करना पड़ता है या जोर लगा के उनको पेशाब करनी पड़ती है, तो उसमें भी वीर्य गया तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, वो कोई अबनॉर्मल नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। फिर लोग ये बोलते हैं कि नहीं मेरे को सेक्स टैबलेट मैंने बहुत सारी लिया, आयुर्वेदा में होम्योपैथिक में ऐसे कोई सेक्स टैबलेट नहीं है, एलोपैथी में सेक्स टैबलेट्स है या इंजेक्शंस है, तो वो सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्दनाफिल ये नाम के अलग अलग मेडिसिन अभी बाहर मार्केट में आई हुई है, मगर और इसमें पेपेविरिन के इंजेक्शंस भी हैं, मगर इसमें ये बात है कि आप जब गोली लेते हो या इंजेक्शन लेते हो तो ऐसा नहीं कि गोली ले लिया तो अभी कठोरता लिंग में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। गोली लेने के बाद में भी काम क्रीड़ा करना या प्रणय क्रीड़ा करना जरूरी है, फोरप्ले करना जरूरी है, क्योंकि लिंग की कठोरता जो है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, दिमाग से होती है, यहाँ यदि एक्साइटमेंट आ गई तो लिंग में कठोरता आएगी। मैं हरदम बोलता हूँ कि टेंशन कहाँ है, टेंशन यदि ऊपर है तो लिंग में टेंशन आएगा नहीं, यहाँ यदि रिलैक्सेशन है यहाँ शांति है तो लिंग में टेंशन आएगा, टेंशन एक ही जगह रह सकता है, ऊपर रहता नहीं तो नीचे रहता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानकारी लेना कि भाई टेंशन है, दिमाग के ऊपर लोड है, डिप्रेशन है, बहुत सारी फिकर है, नाराज़गी है, तो फिर आपको लैंगिक समस्या हो जाएंगी, लिंग में कठोरता आएंगी नहीं और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि सुहाग रात में, पहली रात में जब मेरी शादी होती है, पहली रात में जब मैं मेरे पत्नी के साथ में सोऊंगा उस दिन मेरा सेक्स होना ही चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि सुहाग रात में शादी के दो तीन दिन धूमधाम रहती है, नींद होती नहीं है, आराम होता नहीं है, फिर रिसेप्शन होता है, देर रात तक सोना मतलब सोने को मिलता है, और जब दोनों भी पति पत्नी थके हुए हैं, उनको कोई ताकत ही नहीं है, और उस समय फिर अभी सेक्स करने के लिए उनको अंदर भेजा गया कि भाई आप सुहाग रात है आज, दोनों भी थके हुए हैं, दोनों की भी इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि कब सो जाऊँ, और उसमें फिर उनको कठोरता नहीं आती और इच्छा नहीं होती और उसमें वो फेल हो सकता है, या फिर डर है मैं कैसा कर सकूं, मेरा होगा कि नहीं होगा, जमेगा कि नहीं जमेगा, मैं पुरुष हूं कि नहीं हूं, मेरा पहले फेल हो गया था अभी होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह के जो गलत फहमियाँ हैं कि भाई नहीं नहीं पहले रात को होना ही चाहिए, तो ये बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पहले रात में जमता नहीं है सेक्स करना और फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी गलत फहमी है कि स्त्री को समागम की जो पहली रात रहती है तो पहले रात में खून निकलना चाहिए पर्दा फटने से, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, पर्दा शादी के पहले भी फट सकता है, इंजरी हो या खेलकूद करने वाली लड़की हो या साइकिल चलाने वाली या ऐसा कुछ पैर फकाने का कोई भी कार्यक्रम ऐसा होगा तो उसमें पर्दा फट जाएगा पहले शादी के पहले, तो ऐसी गलतफहमी रखना नहीं चाहिए कि नहीं पर्दा यदि फटा और खून आ गया तो ही वो कुमारी लड़की है और नहीं तो नहीं है, और फिर वहाँ से लोगों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो खून आना पहले रात को इसका मतलब वो कुंवारी लड़की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खून आएगा नहीं आएगा उसका कोई उसके संबंध नहीं है। फिर दूसरा और एक है कि जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको भी सेक्स का प्रॉब्लम आता है,
तो डायबिटीज हाइपरटेंशन में होता क्या है कि एक तो डायबिटीज की गोलियां, ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने से प्रॉब्लम आता है, या और भी कोई एलोपैथी की गोली हो जिससे कि सेक्स में इच्छा नहीं होती या कमजोरी आती है, या डायबिटीज में होता क्या है शुगर में, मधुमेह जो है उसमें, कि खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है, एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जल्दी आते हैं, मतलब जो खून की वाहिनी जो है वो उसमें जो अंदर का ल्यूमेन है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, वो जब छोटा हो जाता है तो ब्लड का सप्लाई जो है लिंग में वो कम होता है, और यदि ब्लड का सप्लाई कम हो गया तो कठोरता कम आती है, क्योंकि जब भी कठोरता आती है तब यहाँ से पहले स्टिम्युलेशन होता है, फिर वो नीचे जाता है, वहाँ जो आर्टरीज है मतलब खून की जो वाहिनी है, खून सप्लाई करने की खून की वाहिनी, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और उसके बाद में एकदम गश ब्लड का लिंग में जाता है, अंदाजे आधा पाव से लेके एक पाव तक खून अंदर जा सकता है जिससे कठोरता आती है। अब वो खून ही अंदर नहीं गया तो कठोरता कहाँ से आएगी, वो आएंगी नहीं, और खून अंदर जाने जाता नहीं उसके कारण जो है वो अनेक कारण है, मार लगा हो, या फिर वो जो खून की जो वाहिनी है मतलब जो ल्यूमेन है उसका अंदर का, उसका जो ल्यूमेन है उसका जो छेद है वो थोड़ा कम हो गया, सिकुड़ गया हो, डैमेज हुआ है नर्व्स को, तो ऐसे काफ़ी सारी बातें कि जिससे खून पहुंचता नहीं और कठोरता आती नहीं। सेक्स टैबलेट लेने से, जैसा मैंने अभी बताया कि सेक्स टैबलेट लेने से ऐसा नहीं है कि सेक्स टैबलेट लेने से 101% फ़ायदा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा यदि टेंशन है कि नहीं पहले रात में तो होना ही होना है, और पहले रात में यदि हुआ नहीं है तो इसका मतलब वो आदमी में नहीं है, या लड़की लड़की नहीं है, तो ऐसी वो गलतफहमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स टैबलेट लेके फिर या इंजेक्शन लेके आप फर्स्ट नाइट जो है सुहाग रात वो उसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी टेंशन है तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। शादी के 4-5 दिन तक भी, 8 दिन तक भी उनका सेक्स नहीं होगा ऐसा हो सकता है। मेरे पास में तो काफ़ी कपल आते हैं कि 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए और उनका सेक्स हुआ नहीं है अभी तक, और उसके अनेक कारण रहते हैं उनके पास में, और फिर वो कारणों से चलते रहते हैं और इलाज करते नहीं है, बाद में फिर हमारे पास में आके इलाज करते हैं और उनका सेक्स जीवन अच्छा हो जाता है। तो मैंने अभी तक जो भी बताया वो गए गलत फहमियाँ सेक्स के बारे में, और वहाँ भी जो दूर करते हैं तो जीवन अच्छा जी सकते हैं। गलत फहमी मैंने ये बताया कि लिंग का जो आकार है वो लोग लेके आते हैं कि भाई छोटा हो गया, या जो साइज़ है लंबाई वो छोटी हो गई, तो मैं उनको हरदम बोलते रहता हूँ कि 1 इंच मतलब ये जो उंगली है इसे 3 टुकड़े, 1, 2 और 3, तो एक टुकड़ा जो है ये इसका इतना, तो ये एक टुकड़े से यदि छोटा है साइज लंबाई लिंग की तो समझना कि छोटी है, और गोलाई में यदि ये उंगली से यदि वो गोलाई छोटी है तो समझना कि वो छोटा है। तो लोग बोलते नहीं नहीं उतना तो नहीं है, मगर वो सिकुड़ जाता है, मतलब मैं सिकुड़ भी गया तभी इससे छोटा नहीं होना चाहिए, और इससे भी छोटा हो गया तो फिर चिंता करने की बात है। फिर कुछ लोगों में होमोसेक्सुअलिटी रहती है, मतलब समलिंगी आकर्षण, समलिंगी आकर्षण ये 1-3% लोगों में रह सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो शादी नहीं कर सकते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो शादी करके सेक्स नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग आते हैं कि नहीं हमको आकर्षण है, उसके लिए इलाज हमको करने का है और शादी करने की भी इच्छा है, तो बचपन में ऐसी कुछ बात हो जाती है, बचपन में ऐसे कुछ दिमाग के ऊपर एकदम स्ट्रेस आ जाता है, या बचपन में ऐसी कुछ बात हो के एक लगाव सेम सेक्स की तरफ हो जाता है जिसके वजह से होमोसेक्सुअलिटी डेवलप होती है, तो उसका भी इलाज हम कर सकते हैं। और यदि उसकी इच्छा है, वो पेशेंट की इच्छा है कि भाई मेरे को होमोसेक्सुअलिटी का इलाज करना है, समलिंगी आकर्षण जो इसका इलाज करना है, तो इलाज करके भी अच्छा जीवन जी सकता है। फिर कुछ लोग आते हैं कि भाई मेरे को सेक्स करने के समय बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, तो दर्द औरत को भी हो सकता है और आदमी को भी हो सकता है। आदमी में दर्द होना बहुत कम है, है ना, पायरोनिस डिसीज नाम की बीमारी है, या प्रोस्टेटाइटिस है, या फिर जो स्किन जो है तो उसका पैराफाइमोसिस है, मतलब स्किन जो है वो जो सामने ग्लांस जो रहता है सुपारी जैसा, वहाँ से लिंग का स्किन जो है वो पीछे पूरा आना चाहिए, वो यदि पूरा आता नहीं और वहीं अटक जाता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम से भी दर्द हो सकता है सेक्स करने के समय, और वो प्रॉब्लम से फिर और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो वो आदमी में, औरत में भी यदि यहाँ ये पूरा जो कमर के नीचे अंदर का पार्ट जो है वहाँ सूजन आई हुई है, या ये जो योनि है तो योनि आकर्ष हुआ है, आकर्ष मतलब कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, योनि का साइज कम हुआ है,
यार योनि के जो मसल्स है वो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है सेक्स करने के समय, डर के मारे, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सेक्स के बारे में बहुत सारी चिंताएं हैं, सेक्स के बारे में वो डर है, तो उसके वजह से वो योनि जो है सिकुड़ कर लेती है, सिकुड़ मतलब सिकुड़ जाती है, और जिससे कि फिर पेनिस का पेनिट्रेशन अंदर जाना असंभव हो जाता है, वहाँ से दर्द होता है, तो उसका भी इलाज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे नहीं सारे बातें मैंने अभी ये कैसेट में मैंने सुनाई, मतलब ये वीडियो में मैंने आपको सुनाई, या आप यदि देखते हैं तो कभी सारे गलतफहमियाँ ठीक होके लोग अपना सेक्स जीवन जो है वो आनंद का कर सकते हैं, अपना वैवाहिक जीवन आनंद का कर सकते हैं। और भी कोई गलतफहमियाँ आपकी होंगी या और भी कोई सवाल होंगे तो आप मुझे जरूर नीचे जो नंबर दिए है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी मुलाकात ले सकते हैं। हम इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके लोगों को अच्छा करते हैं, उनका जीवन अच्छा कर लेते हैं। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, फैलाओ, ताकि लोगों की सेक्स के बारे में गलत फहमियाँ निकल जाएंगी। माँ बाप अपने बच्चों के साथ में सीधी बात करते नहीं है, ऐसा बोलते नहीं है, तो हर माँ बाप ने अपने बच्चों को ये वीडियो देखने के लिए बोलना चाहिए, ताकि उनको जो संकोच है बोलने के लिए वो मेरे माध्यम से वो बोलेंगे तो निकल जाएगा या रहेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।